सबसे पहले चलते हैं अपने गैराज में, और यहाँ पर आप गैराज में देख पा रहे हैं जो मेरी लैम्बो। एक सेकंड, ये लैम्बोर्गिनी सयान इसका कलर कब चेंज किया है? मैंने एपिसोड को स्किप तो नहीं कर दिया? एक सेकंड मैं देखता हूँ। नहीं सकता, एक बार मैं सीन देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन हो रखा है। तो एक बार ओके चुप चलो कर चुपचाप देखेंगे भाई कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, कैसे कैसे प्लान है, क्या क्या करना है। भाई ये फायर करना भाई, शुरू। अब मैंने पुलिस कितने की मार तीन दिए, एक स्टार आध लगे। बच गया हेलो शायद। दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपको पता है कि टेक्नो गेमर्स ने GTA 5 के अंदर पिछली वाली एपिसोड में एक ज्वेलरी शॉप की रोबरी का प्लान बनाया था लेस्टर के साथ। अभी वो प्लान अभी कंटिन्यू हो रहा था कि रस्ते में और भी एक लड़की को गैंगस्टर किडनैप कर रहे थे, तो वहां पर उसको भी बचाया एंड वो लड़की घोस्ट निकली। तो अगर किसी ने वो एपिसोड नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया, तो जल्दी से एपिसोड वो देख लो। अभी नेक्स्ट एपिसोड की रिएक्शन वीडियो यहाँ पर लेके आए हैं। तो सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट भी दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो जल्दी कंटिन्यू करते हैं, अभी देखते हैं कि वाले इस वाले एपिसोड में क्या होता है। ये और सब गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बंदर जैसा कौन खड़ा हुआ सामने की तरफ में, तो भाई ये अपना माइकल ही है। अब यहां पर इसने वाली ड्रेस और ये वाला कॉस्ट्यूम जो है क्यों पहन रखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो गाइस आपको पता होगा यार, माइकल को जो है फ्रैंकलिन ने लैम्बोर्गिनी की लोकेशन बताई थी, उसे KTM गिफ्ट करी थी। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि फ्रैंकलिन को जो लंबी वाली कार है लिमोजिन जैसी, वो उसको पसंद आ गई थी। तो अब उसी चीज को देख के माइकल जो है आज उसके लिए जैसे तैसे करके कहीं से भी ढूंढ के उसको वाली जो है गाड़ी लेकर देने वाला है। अब वो वाली जो कार है ना, वो माइकल को पता चलिए कि PM के पास है, मतलब कि कितनी तगड़ी सिक्योरिटी होगी आपको भी पता है उसको चुराने के लिए। अब लेकिन जो PM, बाकी तो मैं किसी भी नॉर्मल बंदे से चुरा सकता हूँ, लेकिन जो PM वाली है ना वो पूरी बुलेट प्रूफ है, मतलब कि कहीं भी बुलेट चला दो उस गाड़ी को इतना नुकसान नहीं होने वाला। बाकी तो वाओ, बहुत ज्यादा पड़ेगी तो होगा, बट ओहो, बहुत ज्यादा तगड़ी कार है वाली। और उस कार का कलर भी बहुत यूनिक है अभी तक, मतलब कि जितने भी बंदे हैं सब में से सिर्फ वो एक ही कार बनी है जो कि PM के पास है। ओ नाइस तो यार। अभी अभी जो है चलते हैं इस यार इसको वाले लेकर। एपिसोड में मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो चोरी करने के लिए जा रही है। तो अभी जो है इस एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में रोक देता हूँ, अपना रिएक्शन जो है बीच में वो दे रहा होता हूँ मैं, तो उसके लिए कर माजरा। अब यहाँ स्टार्ट पर करते सबसे हैं पहले फिलहाल। मेरे को जाना पड़ेगा यार वेपन की शॉप पर, मतलब कि एम्यूनेशन की शॉप पर, जहां से मुझे एक गन चाहिए रहेगी ढंग की। क्योंकि आपको पता होगा यार AKM उतनी अच्छी नहीं है। एक UMP सोच रहा हूँ ले लूँ क्लोज रेंज के लिए, और एक लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर ले लूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने गैराज में, और यहाँ पर आप गैराज में देख पा रहे जो मेरी लैम्बो। एक सेकंड, ये लैम्बोर्गिनी सयान इसका कलर कब चेंज किया है? मैंने एपिसोड को स्किप तो नहीं कर दिया? एक सेकंड मैं देखता हूँ। एपिसोड स्किप तो नहीं हुआ यार? सारे के सारे वैसे एपिसोड हैं। इसने कब आई थिंक चेंज कर दिया और होगा नहीं उसे बाद में, मैंने कोई पता मॉडिफाई नहीं। करवा लिया है कलर। आप देख पा रहे हो तो मुझे कलर में, मेरे को ना कमेंट में बताना कि ग्रीन वाली अच्छी थी या फिर ये जो ब्लू वाली है वही अच्छी है। तो भाई देख लो, ब्लू वाली मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा तगड़ी है। आई थिंक से नहीं, ब्लू वाली नहीं। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपको पता है कि उसका आई थिंक ग्रीन वाली कलर बहुत स्मैक्सी कलर आ रहा था, बहुत लिटरली, मतलब कि मुझे दिल को लग गया था। लेकिन ये तो उसने कलर चेंज करके आई थिंक सो गड़बड़ी कर दी। बट आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लास्ट भी बताना। क्योंकि इसका जो टेक्सचर आ रहा है ना वो एक एकदम अलग ही लुक है। अभी जो फ्रैंकलिन की बाइक है मैंने थोड़े टाइम के लिए उससे उधार लिए, क्योंकि अभी चोरी करने जा रहा हूँ तो भाई ओहो अच्छे कपड़े तो कोट पैंट में तो जाऊंगा ही नहीं। और यहाँ पर आप देख लो कितनी तगड़ी लुक की है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं वरना अभी अंधेरा होने वाला है, फिर उसके बाद ओहो चलेंगे चोरी करने। नाइस। तो चलो गाइस अभी थोड़ी सी रोशनी आ चुकी है, उस टाइम काफी सुबह हो रही थी। अब चलते हैं सीधा यार चोरी करने का मिशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा जो हमें लोकेशन मिली है वो तो ये है जो कि हमें एक डिटेक्टिव ने ला कर दिया। बट सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा एम्यूनेशन की शॉप पे, क्योंकि यार मुझे वेपन या फिर कोई ढंग की गन चाहिए। तो जो एम्यूनेशन की शॉप है वो यहाँ पर है, तो काफी पास है, पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो निकलते हैं यहाँ से, और अपने पास इतनी सुपर अच्छा मैं गेम प्ले कर रहा होता हूँ तो मेरी कीबोर्ड की अभी आवाज नहीं आई थी। आई थिंक लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो इन्होंने स्पीकर हाई किए होते क्या किए होते कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे आज तक मेरी कसम से नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि मेरे कीबोर्ड में जब दबाऊं तो आए उसकी आवाज, आए कि यार ये दब रहा है। दिखाना चाह रहा हूं मैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फास्ट बाइक है तो भाई ज्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं पहुंचने में। और बाइक का साउंड तो यार आप सभी को पता ही है कितना तगड़ा है, ओहो जब फ्रैंकलिन ने चलाई थी आपने देख ही लिया होगा। अब हमें आगे वाले कट से राइट लेनी हो, भाई 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 कुछ बचा ज्यादा ही बहुत। सुपर फास्ट है यार ये तो। मतलब कि अगर आपने हल्का सा भी ध्यान हटाया, अगर थोड़ा सा भी मैप वैप में देखा हो रहा है, यहाँ पर आप रेस दे रहे हो तो ठुकना और मरना कन्फर्म है। वो तो चलो अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगा लिया। और भैया क्या चला रहे हो तुम भाई, क्या कटिंग करी है यहाँ पर मैंने, सही बता रहा हूँ। लो भाई साहब आते यहाँ पर मत्था टेक लिया हमने इसी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम एंटर कराते हैं अपनी अंदर की तरफ में बाइक। तो चलो भाई अभी चलते हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पर, और यहाँ से खरीद लेते हैं कोई ढंग की गन। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर जो है गन वन तो खरीद चुके हैं। अभी हमने एक पिस्टल ले लिया, एक एम पे पहले से थी, और एक ये स्नाइपर ले लिया। अभी इतने पैसे नहीं थे कि यार सारी गन्स खरीद ले। अब यहाँ पर जो मेरी हेल्थ है वो मैंने बढ़वा ली अपना एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीकर। अब सीधा चलते हैं उस पोजीशन पर जहाँ पर हमें जाना था। तो ये मुझे आज तक नहीं पता चला कि एनर्जी ड्रिंक भी होता है, वो भी ऑफलाइन में। ऑनलाइन का सुना है वो, मतलब टीके शीके लगा के वो खुद कर लेते हैं रिपेयर,
ये हैक वैक लगाए हैं इस बंदे ने, हैक लगाए हैं ठीक है इस बंदे ने। देख लो भैया कहाँ पर है पोजीशन, ओके तो ठीक है ये यहाँ पर हमें जाना है। ओके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फटाफट से एक वे पॉइंट लगा लेता हूँ, मार्क लगा लेता हूँ और चलते हैं भाई। बाकी ना थोड़ा चढ़ाई सा रास्ता है मेरे को लग रहा है, तो मैं आप पीछे वाले रास्ते से निकलता हूँ भाई इधर, तो क्योंकि जाम मिलने वाला है उस रोड पे यार, बड़ा जाम रहता है जहाँ पर माइकल का घर है। जगह अच्छी है लेकिन यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है यार। अच्छा पिछले एपिसोड में यही वही बाइक जो फ्रैंकलिन की थी ना, ये मुझे पसंद नहीं आई इतना, तो लिटरली आई थिंक इसका कलर चेंज किया गया और स्पीड भी सही है, मुझे मजा नहीं आया था पिछले वाले एपिसोड में, पता नहीं क्यों अभी मजा आ रहा है। ओके काफी प्यारी कलर की कार जा रही है भाई, येलो कलर बड़ा तगड़ा लगता है ऐसे कार पे। बाकी यार मैंने जो लैम्बोर्गिनी करवाई है ना ब्लू कलर में, वो भी एक अलग ही लुक आ रही है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना सीधा लेफ्ट में, और भैया ओहो अभी यहाँ से मैं ओहो भाई यहाँ पर ट्रैफिक कम है, लेकिन चला रहा है भाई फुल कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि सिंगल लेन रोड है और तुम राइट लेफ्ट निकाल भी नहीं सकते क्योंकि फुटपाथ है ही नहीं बिल्कुल। बट कोई नहीं, काफी अच्छी जगह है, बंदे बड़ी धीरे धीरे चला रहे। ओ ओ भाई अरे क्या कर रहे हो आंटी जी, इंडिकेटर तो दे दो। आंटी नहीं है भाई उसकी, तो आवाज लड़कों की आ रही है भाई। क्या सांप जैसा रोड है यार, बच गए। देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो हम काफी पास है उस पोजीशन के, मतलब जो लोकेशन है वहाँ के काफी पास है और ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। अच्छा अच्छा okay. मेरे लिए नहीं जा रहा, मेरे को लगा कहीं मेरे को पहले ही पता लग गया होने कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी हम अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और जो सामने ऑब्जर्वेटरी है भाई देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है। आई थिंक म्यूजियम है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ओके तो दो हेलीकॉप्टर और पीछे इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां, भाई कितनी सारी पुलिस लगी हुई है यहाँ पर भाई, क्या सीन है। और वो देखो भाई प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। बट यार मैं इनकी नजरों से ऐसी ही होगी, निकाल नहीं सकता। एक बार मैं सीन देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन हो रखा है, तो एक बार चुपचाप देखेंगे भाई कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, कैसे कैसे प्लान है, क्या क्या करना है। लेके गाड़ी चुराने आया है और पहना मैंने बैग इसने हुआ है, ठीक है ये गाड़ी बैग के अंदर घुसेड़ के लेके जाएगा, क्या सीन है। तो जितनी भी पुलिस है भाई सब इतनी का ध्यान आगे की तरफ, अच्छा है बंदे भी खड़े हुए हैं। तो नॉर्मल पर्सन पहली बात तो अलाउड है, मतलब कि अगर मैं जाऊंगा सिंपली वहां घूमूंगा तो मेरे पे कोई भी मतलब पुलिस कुछ नहीं कहेगी। ओके तो ये पब्लिक प्लेस है, मैं पता चल रहा। और गाड़ी देखो भाई क्या लुक आ रही है, कैसी सिल्वर कलर की चमक सी रही है। बट यार यहाँ पर तो बहुत खतरा है, तो मैं क्या काम करता हूँ ना, रुक जाओ। ओके इनका सबका ध्यान आगे की तरफ है, तो हम अपना थोड़ा अलग दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक को ना पीछे से लेकर एंटर करवा दूँ और वहाँ पर से लेकर हम सीधा पीछे से, लेकिन यार आना तो आगे पड़ेगा। लेकिन भाई चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके तो बंदे नीचे कुछ खाने पीने का भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद नीचे रेस्टोरेंट है। तो ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हमें उतनी तो कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब एंटर होते जैसे मिलिट्री बेस में होता है ना, एंटर होते ही 4 स्टार की पुलिस, हट जाओ अंकल जी यहाँ पर हम आए आज बहुत जरूरी काम से आए हैं, तो मजे मत लीजिए अभी। ओहो तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ, कोई बंदा मेरे को डर ना जाए मेरे को देख के, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से कॉस्ट्यूम पहना ना बहुत खतरनाक है। तो यहाँ देख रहे हैं भाई इसकी तरफ पुलिस वाले, यहाँ से आ गए, यहाँ से ही चले जाएं क्या। ओके भाई इधर तो बहुत पुलिस है भाई, ना 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 सारी सी बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर आया तो पुलिस तो होगी ना भाई, बहुत मेरे तुम्हारे जैसा लफंगा तो है नहीं हुआ। सब लगा रहे हैं कि अगर मैं उड़ के भी भागू तो पकड़ ले मेरे को, और यहाँ पर बंदे बहुत सारे बैठे हुए हैं। ओके पीछे की तरफ मेरे को लग रहा है कोई भी पुलिस नहीं है। ओके पीछे की तरफ एक पुलिस वाला भी नहीं है, बढ़िया बात है, जो कि हमारे लिए होनी चाहिए यार, क्यों नहीं है। बात है कि पीछे की तरफ कोई पुलिस नहीं है, यानी पीछे के डोर से हमें एंटर होने ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर से हम चलेगा आगे की तरफ में पुलिस है, चल कर देखते हैं। ओके 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 सारी की सारी पुलिस यहीं पर बैठी हुई है, मैं चुपचाप जाता हूँ आराम से। और ये देखो ये बंदा भी तो गाड़ी के पास आराम से लगा हुआ है, इसको कुछ नहीं कह रहे, मेरे को भी कुछ नहीं कहेंगे अगर मैं नॉर्मली जाऊंगा। जैसे तूने कपड़े पहने हुए, मास्क पहना हुआ है, वो होगा पता ही ना चलेगा, रिएक्शन पुलिस वालों का होगा मुझे लग रहा है ऐसा। और सामने अपनी लिमोजिन है, सीधा बैठ के भगानी है भाई पुलिस वाले कितना भी मारे, क्योंकि गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, बस एक बार उसमें बैठना है हमें। तो भाई साहब यहाँ पर मैं इतना आकर तो छुप चुका हूँ, सारे पुलिस वालों का ध्यान आ गया, इतने नशे में है लोग, इनको पता ही नहीं है पीछे से भी कोई आ सकता है। अब बस मैं यहाँ से बैठ कर एक बार देख लूँ, सबकी गाड़ी यार स्टार्ट हो रही है, मैं जैसे ही भागूंगा मेरे को पकड़ लेंगे। और यार लिमोजिन तक जाना ना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सब पे शॉटगन्स है और जैसे ही बैठूंगा मार लेंगे। तो अभी मैं इनको चोर जैसी लुक ना लग जाए इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। यहाँ पर मैं जैसी गाड़ी का गेट खोलूंगा ना भाई, बैठने की तो बात ही दूर है, जैसी गाड़ी का तो चुराना कैसे है मुझे भी पता चले भाई। तो मैंने यार कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा यार इसके पास जाने के लिए। ओके तो हम एक बार ना पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यार, अपनी बाइक पे चल रहा हूँ मैं वापस। अब वहां से यार एक मिनट बोल रहा हूँ, एक इंच पास था आई थिंक, सो जो मैंने देखा है वहां पर लैम्बोर्गिनी के पास बैठ जाता निकल जाता, जैसा कि बता रहा है कि वो मतलब कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो कोई इशू नहीं होता, बस एक दफा बैठने की देर होती। पता नहीं क्या सीन है, कुछ अलग से प्लान चल रहा होगा भाई साहब के, देखते हैं क्या सीन है। अगर देखेंगे ना दूर से ना, मैं सोच रहा हूँ कि दूर से इनको पहले ना अपने एक आध ना बुलेट चला दूं, अब इनका सारा ध्यान उधर जाएगा और मैं इधर से इनकी बाइक लेकर निकल जाऊंगा। मेरे को ना इनका ध्यान भटकाना है इन पुलिस वालों का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी बाइक निकालता हूँ,
तो पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ। ओके, तो सामने वाला जो पहाड़ है ना, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर चलें, क्योंकि वहां पर समय काफी तगड़ा व्यू मिलने वाला है भाई इन बंदों को मारने के लिए। ओके, कुछ अलग से प्लान कर रहा है, ठीक है, चलते हैं सामने वाले। वैसे एक्चुअली आ ही गया हूँ मैं पहाड़ पर। ओके यार, ये बाइक बहुत जबरदस्त है यार, बहुत ही इजीली चढ़ जाती है कहीं पर भी, ज्यादा रेस नहीं देनी पड़ती। ओके, तो यहाँ पर से मेरे को सारे पुलिस वाले इजीली स्पॉट हो रहे हैं। ओके, एक बार मैं अपनी स्नाइपर निकाल कर देख लेता हूँ, बस मेरे को अभी ना भी मतलब फायर नहीं करना। ओके, तो पुलिस वाले एक दो दो कितने हैं, ये दो तो मेरे को ये दिख गए। एक सेकंड, मेरे को ऊपर से व्यू मिलेगा, यहाँ से कुछ ढंग से दिख नहीं पा रहा यार, इतने सारे झाड़ियाँ ना, तो अच्छी बात है यार, वो लोग भी मेरे को नहीं देख पाएंगे इतनी जल्दी। ओके, देखते हैं लेट्स सी क्या बन, क्या ये चुरा पाएगा कि नहीं चुरा पाएगा। 5 6 7 8 भाई, मतलब अभी गाड़ी में भी बैठे। ओ भाई, एक ऊपर भी है, 9 पुलिस वाले यहीं पर, स्नाइपर भी बैठे हुए हैं, कुछ अंदर भी होंगे पीएम के साथ। और भाई मतलब कि यार, और बाकी शायद हेलीकॉप्टर वगैरह में भी ना बैठे हो, गाड़ियां भी क्योंकि स्टार्ट हो रखी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ध्यान भटकाने के लिए ना मारना शुरू करता हूँ। रुक जाओ, तो मेन मेन बंदों को मारूं कि पहले लाइन से सबको मारूं? चलो ट्राई करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट करने वाले भाई अब अपना मिशन, मेरे को होटर लग रहा है। तो स्टार्ट हो गया भाई, ज्यादा नहीं सोचा, स्नाइपर लगवाना चाहिए था भाई, इसको स्नाइपर कहां से रही है सारा ध्यान। अब अलर्ट हो गए, अब अलर्ट हो गए। ओके, ये ऊपर वाला ना मार दे हमें। ओके, चल 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 भाई, एम बहुत। आई थिंक सो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ऊपर वाले स्नाइपर को, स्नाइपर जो बैठा हुआ है उसको मारना चाहिए था। अब देखते हैं, लैब बंदे तो मार दिए इसने भाई ने, अभी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा भाई। ये लोग भी मेरे पे एम करना शुरू कर दे रहे हैं, और ये वाला पुलिस वाला भाग कर आगे आ रहा है मेरे पास। आजा बेटा आजा, लग यहां तेरे को भी निपटा दूं आज। एंड एंड, ओ भाई ये फायर कर, चलो भाई अब मैंने कितने मार दिए, एक हाथ बच गया शायद। चलो एक हाथ को देख लेंगे, मैं अब सीधा चलता हूं लिमोसिन पे। ये जो एरिया मैंने क्लियर कर दिया जो कि गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए थे, अब बाकी जो पीएम की सिक्योरिटी के लिए वो लोग आने वाले हैं। क्योंकि यार इसके बीच बीच जा सकता था भाई, लॉन्ग क्यों कर रहा है, लंबी कर रहा है। ओके, तो यहां पे लाल हो गई, पुलिस वाला बचा ना हो बस। ओ मेरे पड़ी है, हेल्थ चोपर्स आ चुके हैं भाई। उतर 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 उतर, सीधा गाड़ी में बैठना, बस एक बारी में गाड़ी में बैठ जाऊं, बस सब कुछ अपने हाथ में है। ओहो, बाकी बस पुलिस से अलर्ट रहना मेरे को, मतलब कि पुलिस से पीछा छुड़ाना भाई। गाड़ी यहाँ से हम निकाल चुके हैं, गाड़ी की लुक बहुत जबरदस्त है यार। और ओ भाई, ठुकी गाड़ी, बुलेट प्रूफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है ज्यादा। बस यार इसके टायर भी बुलेट प्रूफ हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओहो भाई, भाई 4 स्टार की पुलिस। एक सेकंड, इसकी मुझे लग रहा था यहाँ पर हेल्थ पूरी थी, ठीक है, बुलेट प्रूफ है तो लग क्यों रही है इसको, मैं देखता हूँ आगे इसका। मैं कचरा लगा दी एक गाड़ी चुराने के लिए, हेल्थ गई, हेल्थ जा रही है एक गाड़ी चुराने के लिए। पीछे इतनी तगड़ी पुलिस कौन लगाता है? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चोरी की है, मेरी गाड़ी थोड़ी ना चोरी की है जो मैं पुलिस नहीं लगवाऊंगा भाई। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चोरी की है। हेलो भाई, ओ क्या सीन है, गलत ही भाई, मेरे को ना किसी तगड़े हाईवे पे जाना पड़ेगा। ओके, वरना ये लोग यार गाड़ी ठोक ठोक के ना भाई यहाँ पर बैंड बजा देंगे, ऐसा एरिया है। क्या ये चोरी कर पाएगा, लेके जा पाएगा, सेफ कर पाएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। इंटरेस्टिंग है, लैम्बोर्गिनी में भी नहीं होता जितना इसमें हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बढ़िया, ड्राइव करना काफी मुश्किल है। लैम्बोर्गिनी तो मैं उड़ाता हुआ ले गया था, लैम्बोर्गिनी में तभी दिक्कत आई थी जब okay. उसका टायर पंचर हुआ था, अदरवाइज लैम्बोर्गिनी हमने बहुत आराम से चुरा ली थी। इस ये तो भाई गलती सीन है भाई, ओ शिट मैन, सिविलियन मर गया आई थिंक। ओ भाई गलत सीन, निकल जाएगी, बुलेट प्रूफ है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बुलेट प्रूफ की तो ऐसी तैसी होगी इतनी तगड़ी पुलिस के आगे। ओ भाई क्या चल रही है ये, अरे भैया कहाँ जाना चाहती है भाई, कहां घुसेड़ रहा है, कहां घुसेड़ रहा है भाई। तो भाई अभी okay. मैं फालतू एरिया में घूम रहा हूँ यार, मैंने ना सिटी की तरफ में एक टनल मार्क करी, अब जैसे तैसे ना मुझे उस टनल तक पहुंचना है। okay. अब इस गाड़ी को मैं ना ज्यादा तेज ड्राइव नहीं करने वाला, okay. क्योंकि जितना तेज ड्राइव करूंगा ना भाई ये गाड़ी उतना ही ज्यादा ठुकेगा, उतना ही ज्यादा पलटेगा। इसको एक नॉर्मल स्पीड में हमें ड्राइव करना है, बाकी अगर इतनी बुलेट प्रूफ है कि पुलिस वाले हमें ज्यादा तेज भी नहीं भगाएंगे ना तब भी नहीं मार पाएंगे। तो बाकी मैं पूरा रोंग पे जा रहा हूँ, और ये आगे भाई स्नाइपर मार रहा है। ओ हेलो, पूरी कबाड़ा कर दी गाड़ी यार, इतनी प्यारी गाड़ी थी यार, इतनी तेज ला रहे कि रुक नहीं रही है इनसे गाड़ी। ले आ बेटा, ओ भाई क्या हो गया इस गाड़ी में, ऐसा क्या है, आईफोन रह गया क्या? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है यार, क्यों बिस्ती करवा रहा है अपनी भी, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चोरी करके जा रहा है, पुलिस लगेगी तो क्या लगेगी आपके पीछे, फरिश्ते लगेंगे कि भाई गाड़ी देके जाओ। पीएम का ऐसी ले लो भाई गाड़ी, तो तुम लोग दूसरी ले लोगे, पैसा बहुत है तुम पे। ओ भाई फ्रैंकलिन के लिए गिफ्ट ले जा रहा हूँ मैं आज, मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन का गिफ्ट मैं ही ना बन जाऊँ, कहीं पता लगे मेरी लाश ही देखे वो सीधा। क्या ले जाए पाएगा गाड़ी, मुझे बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। तो भाई साहब अपनी गाड़ी भगाते भगाते मैं लोग से पक चुका हूँ, अब यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया क्या करना चाहिए। ओके, तो आगे ट्रेन की पटरियां मिल चुकी है यार, कोई बेसमेंट मिल जाए यार, मतलब की
कोई टनल वनल मिल जाए जिसके अंदर हम छुप जाए, और पुलिस वाले हम वहां पर ना जल्दी आते नहीं है, हेलीकॉप्टर से तो बच जाऊंगा कम से कम। ओके तो ओके, यहाँ पर लेफ्ट में एक टनल थी, मेरे को पता था ट्रेन ना कहीं तो टनल में जाती है, और आगे से ट्रैम आ रही है। ओके तो ये ट्रैम के लिए है टनल, इसके अंदर हम घुस गए। अब यहाँ पर शायद कम आए पुलिस, यहाँ से पकड़ना मुश्किल है, तो मैं घुस जाता हूँ। बस यहाँ से कोई ट्रैम ना आए, इस वाली टनल के अंदर जाऊंगा क्योंकि यहाँ से अभी भी ट्रैम गई है। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, ओ भाई क्या हो रहा है ये, ओ भाई साहब, एंड पुलिस अब बस यहाँ पर ना है, उल्ट गई मैंने सीधी हो गई। बड़ी मुश्किल से अब हम पुलिस से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाया है। Okay. बाकी मैं अपनी गाड़ी पीछे कर लेता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, अपने को दिक्कत ना हो, मजा आ रहा है देखकर। अपनी गाड़ी घुमा के यहाँ खड़ी कर लेता हूँ। ओके यार पुलिस अंकल जी अब मत आना, मेरे को छोड़ दो, फाइनली मैं यहाँ पर आकर बच चुका हूँ। यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर पुलिस जो है मेरे पर नहीं आ पा रही है। भाई क्या सीन है यार इस गाड़ी का, यार देखने में तो सही लग रही है, ये बहुत ऑसम लग रही है। सिल्वर कलर चेंज होता तो गोल्ड में होता ना, तो आय हाय क्या गाड़ी लग रही थी, यकीन करो। बड़ी देर से हम लगे पड़े हैं, लेकिन अब जाकर उसका सांस सूखा हुआ है, देखो सही, उसका सांस सूखा हुआ है, होंठ सूखे हुए हैं उसके, सफेद हुए हैं उसके होंठ। फाइनली शायद अब हमारा पुलिस जो है पीछा छोड़ने वाली है। Okay. इतनी देर से उन्होंने हमें परेशान कर दिया, और गाड़ी का अंदर अगर कलर देखो भाई ब्लैक हो गया, बाहर सिल्वर था अंदर ब्लैक हो गया, यही तो इस गाड़ी की खास बात है। इतनी ओ गाइस फाइनली हमसे यार पुलिस के जो स्टार्स थे वो हट चुके हैं, अब हम यानी यहाँ से निकल सकते हैं। तो मैं सीधा गाड़ी बिल्कुल बेकार कर दी है, बिल्कुल बेकार कर दी है, इससे अच्छा अभी नई गाड़ी आ जाएगी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा नई गाड़ी आ जाएगी, जितनी बेकार की है। करते हैं माइकल का घर, अच्छा अच्छा यहाँ से हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल टनल के अंदर का मैप है, तो हम सीधा जाने वाले माइकल के घर में और वहां पर इस गाड़ी को पार्क करेंगे। तो चलो गाइस अपनी गाड़ी जो अब फाइनली बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, भाई बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर से मैं बच कर आया हूँ पुलिस वालों से। ओहो। अब भाई लेकिन हमें गाड़ी जो मिली है ना भाई मजा आ गया, अब इतनी तगड़ी गाड़ी इतनी आसानी से मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब सीधा चलते, गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ इसे मॉडिफाई भी करवा ले। ओके। चलो बाकी तो मॉडिफाई कुछ करवाना है, रिपेयर करवानी है, अब इसको रिपेयर की शॉप भी बहुत पास है यहाँ से, तो रिपेयर कराकर अभी इसे सीधा फ्रैंकलिन को गिफ्ट कर देंगे। तो चलो गाइस अभी हम फ्रैंकलिन के लिए चोरी की थी और मतलब इतना खुद स्यापा डाला है और वो फ्रैंकलिन को गिफ्ट करनी है, क्या सही है यार, सही है यार, मुझे भी ऐसे दोस्त मिले ना कसम से तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। मेरे लिए चोरियां करके लेके आए, मेरे लिए सब कुछ करके लेके, मैं बस आराम से बैठ के खाना पीना चाहता हूँ, बस और कुछ भी नहीं करना चाहता। अब देखते हैं इसका क्या कैसी लुक आती है इस गाड़ी रिपेयर वाली शॉप पर। और अभी तो हम अपनी गाड़ी को पटकते पटकते ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाकर रिपेयर तो करवानी है। ओहो। अब जितना पैसा यहाँ पर लगवाएंगे, बाकी मेन रिपेयर का ही पैसा लगेगा, बाकी पूरी गाड़ी जो है पूरी अपग्रेडेड है मेरे हिसाब से, तो बाकी जो अपग्रेड करवाना होगा फ्रैंकलिन अपने आप ही करवा लेगा, बट मैं उसे एक रिपेयर कराकर देता हूँ ताकि उसे देखने में अच्छी लगे। अब सीधा उसे मैं कॉल कर बुला लेता हूँ अपने पास ही, और देखते हैं वो कहाँ पर अपना घूम रहे। और भाई गाड़ी के आपको मैं लुक दिखा देता हूँ, अब जाकर हमें टाइम मिला गाड़ी की लुक दिखाने का। भाई साहब पूरी गाड़ी का जो एकदम क्रोम कलर है, मतलब कि पूरी शाइन मारेगी, अंधेरे में ले जाओगे ब्लैक। मुझे लगा ये करेगा चेंज करेगा गाड़ी, मतलब कि कलर चेंज करेगा, आई थिंक गोल्ड तो सही लगती है यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। पता नहीं मुझे ये कलर सिल्वर अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा गाड़ियों का गोल्ड कलर चेंज करवा के रखता था, गोल्ड था या ब्लैक था, ये दो मेरे फेवरेट कलर है। अब अपने आपके फेवरेट कलर क्या है मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं उस हिसाब से कलर की हो जाएगी, धूप में चलाओगे ऑरेंज हो जाएगी। Okay. अब इसको ले आकर खड़ा करते हैं, माइकल का घर कहाँ पर है। ओके हमें आगे से लेफ्ट लेना और आ जाएगा माइकल का घर। ओके भाई रोड पे सबसे अच्छी लुक अपनी गाड़ी की लग रही है, इतनी ज्यादा भाई लेंथी कार है ना भाई, चोरी की गाड़ी है, प्राइम मिनिस्टर की चोरी की है, प्राइम मिनिस्टर की, समझा करो। बोले गाड़ी का हॉर्न भी काफी सही है, अबे इसको क्या हो गया इतनी धीरे क्यों चला रहा है। ओके तो भाई ये कितनी मस्त लगेगी घर में घुसती हुई। ओके लव यू। यहाँ पर इस गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं और बुला लेते हैं फ्रैंकलिन को, वो इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जाएगा अपने घर पे ले आके पार्क करेगा। भाई क्या लुक आ रही है भाई गाड़ी की, और फाइनली हमने वाली जो कार है चुरा लिया है। ओके तो गाड़ी जो हमारे गैराज में आने वाली है, और साइड में लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है भाई, वो ये गाड़ी आएगी नहीं, मेरे को तो पता नहीं आएगी, आ गई बट ये वाली कार जो है उसको ज्यादा अच्छी लगती है फ्रैंकलिन को। और यहाँ पर मैं आपको अपने गैराज की बाहर से लुक दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। भाई साहब ऑसम है, इतनी तगड़ी लुक हो गई है, एक कलर इसका चेंज होता है ना, बहुत ऑसम, बहुत ज्यादा ऑसम। मर्सिडीज एक लैम्बोर्गिनी, और मर्सिडीज की लुक यार बहुत ज्यादा अलग है। चलो फ्रैंकलिन को कॉल करके उसे यहाँ पर बुला लेते हैं, वो अपनी कार को यहाँ पर से फटाफट लेकर चले जाएगा, और जब तक मैं भी अपना होलिया बदल लेता हूँ। ओके तो चलो गाइस फ्रैंकलिन ने हमें बाहर बुलाया, अब चलते सीधा बाहर की तरफ और मैं उसकी सीधा गाड़ी लेकर जाऊंगा, या तो हम पहले उसे ही अंदर बुलाकर लाते हैं और उसी के आगे गैराज खोलेंगे, सरप्राइज हो जाएगा। भाई लोंडा कहाँ पर है। ओके तो ये खड़ा, आजा भाई चलो आजा घूमने चलते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज आया, तो इसको बुला लेते हैं सबसे पहले अंदर, इसको गाड़ी दिखाने वाले हम इसकी, लेकिन चलाऊंगा भी मैं, इसको नहीं देंगे चलाने का मन मेरा है पूरा का पूरा। जिस गिफ्ट उसको कर रहा है तो भाई उसको चलाने देना यार, ये तो अजीब बात होगी, मुझे ऐसे फिर दोस्त नहीं चाहिए।
खुद लेके आ रहे हैं मेरे लिए और खुद चला रहे हैं, फिर ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए भाई, जाओ। मतलब माइकल का है, अब कोई भी चलाए चला नहीं तो मेरे को ही है। मैं फ्रैंकलिन बाहर क्यों रहेगा, घर के अंदर आजा, शर्मा रहा है भाई, आजा शर्मा क्यों रही है, आजा आजा अपने ही घर आजा। ये देख लो भाई कौन सी गाड़ी में जाएगा। ओके तो भाई अभी इसको लग नहीं रहा कि जो लिमोजी ना इसी के लिए है। ओके बाकी तो इसको हम बैठाते हैं इसके लिए। अबे रास्ता कहाँ है यार, एक तो गैराज ना छोटा पड़ गया, एक नया गैराज भी, घर लेंगे तो नया गैराज भी आएगा। बाकी इसको बाहर बुलाते हैं, आ जा भाई गाड़ी में। तो गाइस ये जो गाड़ी थी माइकल ने इसको अब गिफ्ट कर दिया, अब ये जो सीधा जा रहा है इसको अपने घर पे पार्क करने। और भाई फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, पहली बार खुश छोड़ो उसको विश्वास भी नहीं हो रहा कि भैया ये क्या मिल गया उसे। मतलब कि आज तक वो छोटी छोटी बाइकें, सस्ती सस्ती बाइकें चलाता था, मतलब अब उसको इतनी महंगी कार मिल गई है ना भाई, सच। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मतलब कमाल की गाड़ी है। लेकिन एक दफा फिर एंड पे आके यही कहूंगा, अगर इसका कलर चेंज होता ना, ऑसम गाड़ी थी, बहुत ज्यादा ऑसम गाड़ी थी। लैम्बोर्गिनी तो वैसे ही भाई कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं एंड रिएक्शन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आती है एपिसोड। एंड मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।